वो हमको माफ कर दिए हैं और आज हमसे बहुत ही नीक से पेश आ रहे थे। जानती हो मैं, आज हम बहुत ही खुश हैं। तुम्हार कसम। अच्छा अब हम जाने। रे तुम कहाँ जा रही है रे सत्यानाश, हमार कसम। माई हमको जाने दो ना, हमको लाली से मिलना है। वो कहे कि ये खुशखबरी हम लाली को देंगे तो हमरे लिए बहुत ही खुश होगी। हाँ ये माथे में का है भेजा है या फूसा? एली छोटे ठाकुर इतना गुस्साते हैं काहे से कि तू हमेशा शेखर बबुआ जी और लाली का पक्ष लेती है। अरे बाप रे माई, ये बात तो हम सोच भी नहीं किए। सही कह रही हो माई, बाकी हम लाली से बात भी ना किए कैसे रह सकते हैं? तू चाहती है कि छोटे ठाकुर फिर से गुस्सा आ जाए? तब मिल हमको का मिल मिल खुशी से मिल, लेकिन बाद में हमरे पास रोते हुए मत आना। हाँ रोते हुए हमरे पास आना। माई 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 अब माई तुम जो कहोगे हम वही करेंगे। हम लाली से नहीं मिलेंगे। हाँ हम अब वही काम करेंगे जिससे छोटे ठाकुर हमसे खुश रहे। बाकी माई हम लाली से अब कभी नहीं मिल पाएंगे का? अरे रे बुझिया बुझिया, तू काहे अपने दिमाग को इतना तकलीफ देती है रे। अरे कुछ दिनों के लिए मेल जोल बंद कर देना उच्च रैया के साथ, बाद में देखेंगे है? अभी छोटे ठाकुर पर ध्यान रख, नजर रख। छोटे ठाकुर को कब्जा ले पकड़ के रखना, निकलना भाई मुट्ठी से, समझी? शेखर के बगल में किसका नाम हो सकता? ला ली। पत्ता गिरते समय जो भी इंसान तुम्हारे सामने होता है वही तुम्हारा जीवन साथी बन जाता है। हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं लाली। उदासी नहीं है हमरे लिए, हमरी खातिर ये और बहुत कुछ है। और बहुत कुछ है। हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं लाली। कोई आया था का? तुम इनको मत बोलना कि हम यहाँ आए थे। बार गई थी? नहीं तो कहीं भी नहीं। काहे दरवाजा क्यों खुला है? ईस हम भी एकदम भुलक रहे हैं। ओ काहे कि भरवा कोनो आवाज हुआ था वो देखने के लिए दरवाजा खोले थे, बंद करना भूल गए। पानी पियेंगे ना? कहाँ कहाँ गए थे आप? हाँ खेत में। सब ठीक है ना? हाँ गड़बड़ी तो नहीं दिखा? नहीं नहीं सब ठीक है। तब तो ठीक है, कल से हम भी आपके संगे चले। नहीं अभी नहीं। काहे जब सब कुछ ठीक है तो काहे नहीं चल सकते संग? सब ठीक है लाली, तुम इतने समय से तकलीफ में हो,
हमारे लिए कितनी परेशानी उठाई है तुमने। अब हम नहीं चाहते हैं कि तुम्हें हम किसी डर या किसी परेशानी में देखें। हम सब संभाल लेंगे, सब ठीक कर देंगे हम। अब तुम बिल्कुल परेशान मत हो। सच्चे सब सब कुछ ठीक है ना छोटे ठाकुर? हाँ लाली सब ठीक है। हमको लगता है रणविजय भी अपना इरादा बदल लिया है। अब तुम आराम से रहो, बस थोड़ा संभल के। कि कौशल्या का दर्द कोनो काहे नहीं समझता। का हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा कि एक माँ चुपचाप अपने बच्चों को आपस में लड़ते पड़ते देखती होगी। दुल्हन ई तो ऊपर वाला भी देखता है जौन तुमको हमको जन्म दिया। माँ भी एक जन्म देने वाली है, देखना तो पड़ेगा उसको भी ये सब। तो मतलब ये हुआ कि रणविजय और शेखर को जन्म देके आज मुझे दुख मनाना चाहिए? इससे बड़ी तकलीफ क्या होगी कि औलाद के कारण हमको अपनी माँ होने पे अफसोस करना पड़े। इतना कठोर मत बोलो, जरा सोचो कि यदि ऊपर वाला कठोर हो गया तो। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी सोने के हिरण का आखेट करने गए तो सीता मैया का ध्यान प्रभु श्री रामचंद्र पर था कि वो सुरक्षित रहे, और हर क्षण हर पल उन्हें ये चिंता सता रही थी कि वो क्या कर रहे होंगे, वो कैसे होंगे। ऐसे कैसे छोड़ दें? रणविजय ठाकुर खुद ही बोले हैं कि पॉकेट सही तरीके से सही जगह पहुंचाना है तो। अरे चुप, वो देख भैया, हम बोल रहे हैं अपने लोगों को यहाँ भेज दीजिए। हाँ रणविजय शायद कुछ नया प्लान बनाए। तुम दोनों इधर से जाओ, नजर रखना इन पर, पता तो चले करना क्या चाहते हैं। मैं इधर से इनका पीछा करता हूँ। ठीक है भैया, जाओ। हाँ भैया, हमारे पीछे हूँ। अच्छा है, अच्छा है। उसे शेखर यह करेगा।
बबुआ जी को तनी घुमाओ, आओ कौनो ऐसा रास्ता पे ले जाओ कि खुद भूल जाए रास्ता। ए, सुन बे। वो देखिए शेखर बबुआ जी, पकड़वा तो यहां गिरा दिए। तो फर्जी है, जरूर रणविजय कोनो खतरनाक खेला खेल रहा है। आखिर रणविजय कर क्या रहा है? लाली हुआ अकेले है। लाली, परंतु इस सब के बीच वो दोनों जना माता सीता और प्रभु श्री रामचंद्र जी आने वाली घटना से अनजान थे। लाली, हाँ मैं छोटकी दुल्हन। छोटकी दुल्हन बाहर क्या खड़ी है? भीतर आइए ना। बैठे ना छोटकी दुल्हन। काहे लाली, हम वैसे आना तो नहीं चाहते थे, काहे कि हम जानते कि हमारे आने से तुम्हें परेशानी होती है। ऐसा बात नहीं है छोटकी दुल्हन, पर हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। ए, तुम्हारे लिए ए, हम कैसे ले सकते हैं छोटकी दुल्हन? अरे काहे लिए, वो तुम हमेशा कहा कहती रहती हो हमको, हाँ कृपा करके ले लो ना हमारे लिए। अरे हम उनको नहीं बताएंगे कि हम तुमको कुछ दिए थे। इलो तुम ना इसमें बहुत ही सुंदर लोगों की, और ये रंग ना उनको बहुत ही पसंद भी आता है। हाँ, जब सूरज की रोशनी में धरती नहाती है और आसमान में नीली रंग की छतरी तन जाती है, वही नीला आसमानी रंग हमें पसंद है। बाकी उनको आसमानी रंग बहुत ही पसंद है ना? कौनो तरीका से भी उस ससुरी चिरैया को कोठरिया से बाहर निकालो एक बार, बाकी हम संभाल लेंगे। हाँ वो बात तो ठीक है, अब काहे कि तुम उनको हमसे ज्यादा अच्छा जानती हो ना। नहीं छोटकी दुल्हन, हमरे कहने का वो मतलब नहीं था। आदमी को कौन सा रंग पसंद है ये जान लेने का मतलब ही थोड़ी ना होता है कि हम वो आदमी के सबसे करीब हैं। ये तो आप ही ना जानती हैं छोटकी दुल्हन कि छोटे ठाकुर को अगर सवेरे सवेरे सोते देख लीजिए तो ऐसा लगता है जैसे छोटा सा बच्चा दुनिया के सब छल कपट से दूर बड़ा प्रेम से सो रहा। आपसे अच्छा और कौन जानता है कि जब वर्षा बरसता है तो छोटे ठाकुर के चेहरा पर भी खुशी का वर्षा बरस जाता है। लाली तुम कितना अच्छा बतियाती हो ना, चलो हम ना कहीं बाहरवा चलेंगे। छोटकी दुल्हन बाहरवा नहीं जा सकते, वो कहे कि बताते ना माना किए हूँ। अरे लाली तुम भी कौन बेवकूफी में पड़ गई हो। हाँ अब हमको तो ये लगता है कि उनके कहने का मतलब ये नहीं होगा कि बाहर नहीं जा सकती, उनका मतलब ख्याल रखने से होगा। अब वो ये थोड़े बोलेंगे कि हवेली के आसपास भी नहीं जा सकती। चलो नदी के पास से चलते, बहुत ही मजा आएगा।
हम इसलिए यहाँ आए थे कि काहे कि कुछ छूट तो नहीं गया होगा, ये देखने आए थे। हम इतना दिन यहाँ रहे थे ना, हमारी एक बाली छूट गई थी यहाँ। हाँ मिल गया हो तो जा सकती हो। सिद्धेश्वरी को अंदर आने दी थी। क्या करते हम? छोटी फिर नहीं आए थे तो हम मना कर देते, हमसे नहीं होगा इस। हमारे कहने का मतलब है लाली, हम नहीं चाहते हैं कि तुमको कोई अंदर आने के लिए कहे, तुम उसको अंदर आने दो, और नहीं हम चाहते कि तुम चौखट लांग के बाहर जाओ, समझी? वैसे कहा क्या कह रही थी सिद्धेश्वरी? कुछ नहीं, बोली ना कान का बलिया यहाँ रह गया था, वही लेने आई थी, पूछ रही थी हालचाल सब ठीक है ना। हमें तो नहीं लगता उसकी कोई बाली अली खोई थी। जरूरत से ज्यादा शक कर रहे हैं, हमें बस रणवीर जी और उसके आदमियों पर नजर रखनी होगी। देखा छुटकी, तुमने कितना कोशिश किया फिर भी उस ससुरी बाहर नहीं निकली, तुम्हारे कहने का कौनो असर हुआ ही नहीं ओकरे ऊपर। हाँ भाई जी, हमको तो ना बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमको तो ऐसा लगता है कि वो चिरैया ना कभी उनकी बात नहीं टालेगी। हाँ तो फिर हम उसको कैसे बाहर निकालेंगे? अरे कैसे नहीं निकलेगी, जब सीता मैया लक्ष्मण रेखा तक लांग गई थी तो ये ससुरी कौन खेत की मूली है? तुम बस देखती जाओ, कल वो जरूर बाहर निकलेगी, बस थोड़ा सा खेल करना पड़ेगा। ओकरे बाद ओकरा खेल हमेशा के लिए फिनिश।